ओम या श्री स्वयं सुखिदेनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आपकी राशि के अनुसार यानी वृश्चिक राशि वालों के 6 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन बहुत विशेष दिन। आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में सफलता वाले भाव को देख रहे हैं, सुख वाले भाव में चल रहे हैं और एक वर्ष रह गया है यहाँ पर शनि का। सुख चाहते हैं तो शनि को मना लीजिए, क्यों? क्योंकि शनि जयंती है इस दिन और जन्मदिवस के दिन शनि का सुंदर पूजन करके, शनि का पाठ कर, शनि के नाम से यज्ञ कर आप सुंदर प्रकार से शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत है, असंभव को संभव करने का दिवस है। शनि महाराज सफलता में लगातार विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो शनि को बनाने के लिए क्या कुछ किया जाए? संसार में अनेक उपाय बताए गए हैं और हमारे मति के अनुसार से शनिवार को इस कलिकाल में शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हनुमान जी, हनुमान जी का सहारा लीजिए। और आपकी राशि तो वैसे ही वृश्चिक राशि है, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कीजिए। हमने आश्रम पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद महासुख कोई। तो वृश्चिक राशि वालों इस पदार्पण इस रास्ते पर चलकर सुंदर तरीके से हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा और कल्याण का योग बनेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है। कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने अलग कहा जाता है, अनेक अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महत्व समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में प्रयाण करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा, धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के क्वार्टर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना कि जिसके कारण से शनि के जो भयव दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को और उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होते हुए कहा जाता है कि उस धरा पर उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर जमीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है उस दिन शनि भी पंगु हो गए। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर, कहा जाता है ऋषि को कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि, आप शांत हों, शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर
एक आशीर्वाद यज्ञ भी देते हैं तो पिप्पलादाय स्वाहा, ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझ कर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है, कोई तेल चलाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का अवसर है, शुक्रवार की तिथि है और प्रतिपदा तिथि है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का रह सकता है। ऐसे में ध्यान रखना है आपको, चतुर्ग्रही योग निर्माण चल रहा है जो अननेसेसरी मन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए अभाव का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विजय प्राप्ति करने के लिए एक सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों को एक ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य इन दिनों आपके सप्तम भाव में चलने के कारण एग्रेसिवनेस दे रहे हैं, उग्रता दे रहे हैं और जेठ के महीने में तो शनि सबसे उग्र होते हैं। तो ऐसे में सप्तम भाव में आपके जो चल रहे हैं शनि महाराज, उनको शांत करने के लिए एक उपाय नित्यपति कर लें। आज से एक कनेर के पुष्प को तोड़ें, एक तांबे के लोटे में जल के साथ रखें और सूर्य को अर्घ दे दिया करें। ये जब तक सूर्य यहाँ विराजमान है, नित्यपति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। करवीर व्रत इसको कहा जाता है। और कनेर के पेड़ का पूजन करके, ये पेड़ तो पत्ते फूल तोड़कर भगवान सूर्य को अर्घ देने से इस प्रकार से कल्याण के युग बनते हैं। 8 तारीख का अवसर, शनिवार की तिथि है और प्रतिपदा के बाद द्वितीय तिथि का योग बन गया है। ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा सा आपके लिए जो धनोपार्जन में कोई दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा सा जिद पे ना अड़े, प्रैक्टिकल वे में काम करने का प्रयास करें। सुंदर रहेगा कि हनुमान जी शनि के मंत्र का जप करें, पीपल के पेड़ पर थोड़ा तिल अर्पित करें, पीपल के पेड़ के पास एक दिया प्रज्वलित करें, एक प्रदक्षिणा कर लें, तो शनि अनुकूल होने के रास्ता बनाएंगे। 9 तारीख का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग, ये आपके लिए सज्जनता का उदय करेगा, धर्म का उदय करेगा और जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय अवश्य प्राप्त होगी। सुख भी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी भारी है, शाम को परिवर्तन का योग है, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके, गायत्री का जप कर उनको अर्घ दीजिए, परिवर्तन का योग बनेगा। 10 तारीख का दिन आपके लिए कल्याणकारी दिखाई देता है, आगे बढ़ने वाला दिखाई देता है। धर्म के दृष्टिकोण से आपके लिए सज्जनता का योग रहेगा, आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। चतुर्थी का योग है, भगवान गणेश का पूजन कर दिन आरंभ कीजिए, कल्याण होगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से, एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्र में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएँ हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा, वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझ कर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि
वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो। देखिए ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना, तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। तो कोशिश ये करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सद्गुरु आचार्य श्री केशवदेव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम में 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था, एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर, देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे, ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएँ हैं उनको भी हम समझें। बगला मुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यपति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं, विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद।